आशंका जताई जा रही थी इन आंकड़ों की, लेकिन अभी ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से टेस्ट बढ़ाए जा रहे हैं वैसे ही आंकड़े भी ज्यादा आ रहे हैं। लेकिन दिल्ली ने न सिर्फ देश के तमाम शहरों को पीछे छोड़ा है, कई देशों को भी पीछे छोड़ दिया। आपको ये बताते हैं कि दिल्ली किस तरीके से जो कोरोना के बढ़ते मामले हैं उसमें 8 से ज्यादा देशों को छोड़ चुकी है पीछे। दिल्ली में 70,390 अभी तक मामले हैं। वहीं स्वीडन की बात करें तो स्वीडन एक पूरा देश है, लेकिन यहाँ पर आंकड़े 62,000 से ज्यादा है। बेल्जियम में 60,000 के तकरीबन है, बेलारूस में 59,000 है, मिस्र में 58,000 है, इक्वाडोर में 51,000 है, नीदरलैंड में 50,000, इधर इंडोनेशिया में 49,009 मरीज हैं, अर्जेंटीना में 47,000 है और यूएई में 46,000 मरीज है। वहीं सिंगापुर की बात करें तो सिंगापुर में 42,000 मरीज है। मतलब ये 8 देश इनसे भी ज्यादा आगे निकल चुकी है। दिल्ली सिर्फ मुंबई से आगे नहीं निकली है, इन 8 देशों से भी आगे निकल गई है। दिल्ली के संकट पर पूर्व आईएमए अध्यक्ष के अग्रवाल क्या कह रहे हैं, आइए वो सुन लेते हैं। मुंबई की जो स्ट्रैटेजी थी वो सिर्फ कुछ इलाकों में थी जहां घर घर जाके उन्होंने टेस्ट किया और लोगों को आइसोलेट किया, लेकिन हम सारी स्ट्रैटेजी को लेके चले तो अभी भी केरला की स्ट्रैटेजी बेस्ट है जहां पे सिर्फ 22 मौतें हुई। दैट इज एजुकेशन एजुकेशन एंड एजुकेशन। सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी अभी है, अगर आप पब्लिक डीलिंग कर रहे हो तो घर के बाहर और घर के अंदर में मास्क पहनो, और अगर आपको बीमारी है तो कम से कम 10 दिन के लिए अपने आप को आइसोलेट कर दो, क्योंकि 9 दिन के बाद में ये वायरस रेप्लिकेबल नहीं होता। दिल्ली के नंबर्स बॉम्बे के नंबर्स से ज्यादा हो गए हैं। आज की डेट में बॉम्बे का पीक प्रोबेबली खत्म हो चुका है, अब केसेस डिक्लाइन में है, दिल्ली अपने पीक में है, धीरे धीरे दिल्ली के नंबर भी कम होते जाएंगे, ये एक्सपेक्टेड है। लेकिन हमारी एक्सपेक्टेशंस के अनुसार में ये वायरस बहुत ज्यादा डेंजरस नहीं निकला है। जिसको फीवर हो रहा है वो 4-6 हफ्ते चल सकता है, जिसका टेस्ट चला गया स्मेल चला गया वो सीरियस नहीं है, जिनको लूज मोशंस हो रहे हैं वो सीरियस नहीं है, कुछ लोगों को ये निमोनिया कर रहा है वो जब दवाइयों से ठीक हो रहे हैं। याद रखिए, अगर आपको रेस्पिरेटरी सिम्टम्स हैं और आप हाइपोक्सिया को पकड़ लेते हैं और समय पे ऑक्सीजन लेते हैं तो ये वायरस से बचना पूरा संभव है।